हमारे सामने पेपर आया और हम एंग्जाइटी हो रही है हमें, या हमें स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से हमको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। हम पूरे ब्लैंक हो गए, पेपर देख के हम ब्लैंक हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन है कौन सा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिक्षा जोशी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था और उसकी प्रॉब्लम ये थी, उसने मुझे ये बताया कि वो पिछले तीन अटेम्प्ट से एग्ज़ाम देने जा रहा है, बट वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो वो पेपर देखकर एकदम ब्लैंक हो जाता है एंड ही डोंट अंडरस्टैंड कि अभी वो कैसे आगे बढ़े, और उसकी वजह से वो कुछ ढंग से लिख नहीं पाता और उसको अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लग रहा है। तो वो नहीं चाहता कि उसको इस बार अटैम्प्ट लगे। सो आई थॉट कि ये प्रॉब्लम और भी बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेसिक और सिंपल सी टिप्स की बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ब्लैंक ना हो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत प्रेशर होगा, आपको कोई भी वीडियोज़ वगैरह देखने का इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप अभी से ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो तब आपके लिए ईजी रहेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जिस दिन भी आपका पेपर है ना, उसके एक दिन पहले रात को आप सारी चीज़ों को डबल चेक कर लो। आपके पेन, आपके पेंसिल, पेन चला के देख लो, पेंसिल चला के देख लो, शार्पनर, इरेजर, कैलकुलेटर चल रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही रख लो। ऐसा क्यों करना है, मतलब अब क्या होता है, कुछ बच्चे तो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, वो लोग पहले से ही सब कुछ निकाल के रखते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो एंड टाइम पर क्या करते हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई जब भी हम जल्दीबाजी में होते हैं तो कुछ ना कुछ छूटता ही है, और जैसे ही आपका कुछ छूटा, आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचोगे ना, और आपको रियलाइज़ हुआ कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर पेन नहीं चल रहा है, या कुछ रह गया है घर पर, तो जो पैनिक होगा ना, वो आपके पूरे पेपर पर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इस पैनिक को अवॉइड करने के लिए आप क्या करो कि एक दो दिन पहले ही सारी चीज़ों को रेडी कर लो, लास्ट मिनट के लिए कुछ भी मत छोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो तो इस पे थी कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर देखकर ब्लैंक हो गए तो क्या करना है, तो आप ये सब क्यों बता रहे हो हमें। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि घर से निकलने से लेकर आपके एग्जामिनेशन सेंटर तक हर आपकी एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपके पेपर को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। सो टिप नंबर टू इज़ कि जब भी आप आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो, जैसे अगर आपका टाइम है 2 बजे का, तो मेक श्योर करो कि आप आधी या पौन घंटा पहले पहुंच जाओ। इससे क्या होगा, देखो हर जगह का ना, हर प्लेस का अपना एक वाइब होता है, और हम हर वाइब में हैप्पी नहीं फील करते हैं। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो वाइब होता है ना, वो थोड़ा फियरफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन है, तो उसकी वजह से वहाँ के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, थोड़े फियरफुल होते हैं। आपको वहाँ पे जाकर थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर लगता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। अगर आप एकदम से जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, जाके क्लासरूम में बैठ रहे हो, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर माहौल में एडजस्ट होने के लिए, उस पर्टिकुलर वाइब के साथ कनेक्ट होने में। तो इसीलिए क्या करो, आप थोड़ा पहले चले जाओ, आप खुद भी उस वाइब्रेशंस में क्या कर जाओगे, सेटल कर जाओगे। जब आप ऐसे माहौल में थोड़ा सेटल होने लगोगे तो आपकी एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होगी, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होगा। तो आप पहले से ही पहुँच जाओ, थोड़ा टाइम दो अपनी बॉडी और माइंड को वहाँ पे सेटल होने के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज़, अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो गया, आ गए हैं, अभी हमको पहले कॉपी मिलेगी, पहले हम एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम लोग को पेपर्स मिलेंगे। तो जो आप एंट्रीज कर रहे हो, तो क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा एंग्शियस होते हैं ना, तो हमारे रोल नंबर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं, काटा पीटी, ऐसा होता है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी इनिशियल डेज में बहुत होता था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं ऐसे डरते डरते लिख रही हूँ, रोल नंबर गलत नहीं लिखा जाए। हम जब ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि गलत ना हो जाए, तो ज़रूर गलत होता है। फिर मैम को बुलाओ, मैम अभी क्या करें, वो बोलेगी अच्छा इधर काट के इधर लिख दो, ऐसा कर दो, ये सब होगा, ये सब चीज़ें होती है। तो अभी आपको क्या करना है कि आप एक आदत डालो कि देखो, आपको कॉपी फिल करने में ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, तो आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम है ना, आप जब अपनी डेस्क पे जाके बैठे हो, तो जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। अब जब आप आपकी डेस्क पे बैठ गए हो ना, तो अब आपको क्या करना है, आप डीप ब्रीदिंग करो, आप 3-4 बार लंबी गहरी सांसें लो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा, और जब आपका माइंड काम होगा ना, तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो डर लगता है ना, ये नहीं लगेगा। सो इसको भी आपको क्या करना है,
अभी लास्ट थिंग है कि अभी हमारे सामने पेपर आया और हम एंग्जाइटी हो रही है हमें, या हमें स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से हमको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। हम पूरे ब्लैंक हो गए, पेपर देख के हम ब्लैंक हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन है कौन सा। इट हैपन्स, इट इज़ नॉर्मल। आपको क्या करना है इस चीज़ के लिए कि देखो, जब भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है आपको नहीं आए क्योंकि उस टाइम पे आप डर रहे हो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा वो भी नहीं आया, थर्ड पढ़ा वो भी नहीं आया, आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मान लो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराओगे ना, तो अगर आपको आता होगा ना तो भी नहीं आएगा। आप कैसी बात कर रहे हो मैडम, हमारे सामने पेपर है, हमें एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, सामने हमारा अटेम्प्ट दिख रहा है हमको, तो हमें घबराहट तो होगी ना। ठीक है, होगी। तो अब नहीं आया क्वेश्चन, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या करो, आप एक दो बार डीप ब्रीदिंग करो और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, बिकॉज यू आर दी वन जो कि वहाँ पे क्या कर रहा है, पेपर दे रहा है। आप खुद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक दो बार आप डीप ब्रीदिंग करके फिर से अपने क्वेश्चन पेपर को आराम आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। ऐसा नहीं है, आपने अगर इतनी दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन को फिर से रीरीड करो। जब फर्स्ट क्वेश्चन आप फिर से धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ो, अच्छा ये टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, अभी जो टॉपिक में से आया ना, आप उस टॉपिक के बारे में आपको क्या पता है, उस चीज़ को रिकलेक्ट करना शुरू करो। आप आपके ब्रेन को काम रह के डायरेक्शन दोगे ना, तो वो भी इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा। पर अगर आप पैनिक में, एंजाइटी में आप उसको कोई डायरेक्शन दोगे, वो डायरेक्शन लेस फील करेगा, उसको पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, कहाँ से लेके आना है। तो यू हैव टू बी काम, और आप आराम आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ो, जो भी उस टॉपिक के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करो और उसको लिख कर आओ, जितना आ रहा है ना उतना लिख के आओ, पैनिक नहीं करना है। और आप धीरे धीरे करो, आराम से करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आपको पैनिक हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हो, तो आप आराम आराम से करो, अच्छे से धीरे धीरे पढ़कर करो, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे ना वो चलेगा, पर अगर आप ब्लैंक हो जाओगे ना, तो आपका पूरा पेपर ख़राब चला जाएगा, पूरा अटेम्प्ट आपका रिस्क में रहेगा। तो 5-10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, एक आध क्वेश्चन छूट रहा है, दैट विल बी फाइन, ठीक है, चलेगा। हमारे साथ अभी ये प्रॉब्लम है तो चलेगा, पर हम पूरा अटेम्प्ट तो रिस्क में नहीं डाल सकते, तो ब्लैंक हो जाएंगे तब तो पूरा अटेम्प्ट जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके अपने ब्रेन को काम रह के इंस्ट्रक्शंस दो, तो वो इन्फॉर्मेशन लाएगा, कलेक्ट करके लाएगा, जो भी टॉपिक, जैसे कि अगर क्वेश्चन है कुछ डायरेक्टर्स के ऊपर, तो डायरेक्टर्स के बारे में आपको कुछ तो पता होगा ना, अभी आपने अगर 2-3 महीने भी पढ़ाई की है, तो कुछ तो पढ़ा होगा आपने, कुछ तो याद आएगा आपको, उसको क्या करो, लेकर आओ और लिखना शुरू करो। फिर धीरे 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 जब आप सेटल हो जाओगे, तो आपको आगे पेपर अपने आप बनने लगेगा। आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको आगे और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।